दोस्तों कभी भी आपको ये क्वेश्चन हुआ है कि स्मार्टफोन कंपनी जो बना दी तो उसको बनाने में कितना खर्चा आता है? नहीं। अगर नहीं तो आज की इस वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको मैं बताऊंगा स्मार्टफोन कंपनी जो बनाती है तो उसको कितना खर्चा आता है, और साथ ही में उसकी जो प्राइस रखी जाती है तो वो कितना गुना रखी जाती है। मान लीजिए कि 50 रुपये का एक फ़ोन पड़ा तो उसकी प्राइस कितनी रखी जाएंगी, तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने का वाले हैं। तो वीडियो एक जरूर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। बात करें तो यहाँ पर जब भी स्मार्टफोन कंपनी बनाती है तो उसके बारे में सबसे पहले मार्केट में एक रिसर्च किया जाता है कि अभी जो स्मार्टफोन के यूज़र्स है वो क्या क्या अगले नए फ़ोन में पसंद करने वाले हैं, जहाँ पर कैमरे की बात ले ले, फोन की मेमोरी, फोन की डिजाइन, कैमरा, डिस्प्ले वगैरह के लिए एक रिसर्च किया जाता है, तो वहां से कंपनी को खर्चा स्टार्ट हो जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पूरा एनालिसिस करके कंपनी को एक रिपोर्ट तैयार करके देती है। ये एनालिसिस रिपोर्ट मिलने के बाद कंपनी उस पर काम करने लगती है, यानी कि जो एनालिसिस रिपोर्ट में दिया गया है कि कैमरा ये चाहिए, डिस्प्ले ये रखनी है, फ़ोन की मेमोरी ये रखनी है, रैम ये रखनी है, फ़ोन की डिज़ाइन ये रखनी है, तो बाद में ये रिपोर्ट मिलने के बाद कंपनी इस पर सब काम स्टार्ट कर देती है। वो सब इकट्ठा करके उस पर ट्रायल के तौर पर कुछ पीसेस बनाती है, स्मार्टफोन के जो डेमो पीसेस होती है उस पर एक दो तीन चार महीने के लिए रिसर्च किया जाता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती, उसके बारे में जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर होती है, उसकी यूज़र इंटरफेस होती है, तो उसके बारे में भी ज़्यादा कंपनी को टाइम लगता है एक पूरा मॉडल बनाने में। साथ ही में जो एंड्रॉयड का वर्जन होता है उसका भी कंपनी को लाइसेंस लेना पड़ता है, फ़ोन की डिज़ाइन होती है तो उसका भी पैटर्न रजिस्टर करवाना पड़ता है, वरना कोई और कंपनी वही सेम डिज़ाइन का फ़ोन पब्लिश कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी कंपनी को खर्चा आता है। फ़ोन जब तैयार हो जाता है दोस्तों तो कंपनी को डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स पे भी जो उसका कमीशन होता है वो फ़ोन में की जो MRP उसमें लगाना पड़ता है। साथ ही में कंपनी लॉन्च से पहले एडवर्टाइजमेंट करती है, में जब भी फ़ोन लॉन्च होने वाला होता है तो लॉन्च की एक इवेंट रखती है, तो उसमें भी कंपनी को करोड़ों का खर्चा आता है। एडवर्टाइजमेंट करती है TV में, सोशल मीडियाज में, कहीं यूट्यूबर्स को भी आपने देखा होगा कि स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले आपको उसकी जानकारी देते हैं, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उसका पेमेंट कंपनी से लेते हैं अनबॉक्सिंग करने का, वो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का, तो यहाँ पर भी कंपनी को खर्चा होता है। तो मान लीजिए कि कंपनी ने एक स्मार्टफोन बना लिया तो 30,000 का जो फ़ोन होता है, आपको 30,000 में मिलने वाला फ़ोन कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपये में ही गिरता है। मैं यहाँ पे एक स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, आप कुछ भी, आप कोई भी मॉडल ले सकते हैं। मान लीजिए कि 15,000 वाला मॉडल है तो कंपनी को सिर्फ वो 5,000 से 6,000 के बीच में ही उसकी कॉस्टिंग आती है, सभी खर्चा मिला के, एडवर्टाइजिंग का है या वो कुछ भी, तो बाद में जो भी होता है वो MRP पे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन रहता है, यहाँ पे रिटेलर के कमीशन की बात करें तो 15% से 20% रहता है रिटेलर का कमीशन, और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन 4% से 5% रहता है। तो ये थी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें बताइए। साथ ही में अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस है कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उस क्वेश्चंस के बारे में हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे और साथ ही में वो पब्लिश भी करेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।